नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूँ उर्वशी सिंह आपके साथ। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के दो बड़े महानगरों नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो कनेक्टिविटी की नई सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के साथ साहिबाबाद को दुहई डिपो से जोड़ने वाली रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि ये भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन है जिसको नमो भारत का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री ने मेट्रो में बच्चों से बात की, साथ ही रैपिड मेट्रो के कर्मचारियों से भी पीएम ने बातचीत की। आज भले ही रैपिड रेल गाजियाबाद के 5 स्टेशनों के बीच चले, लेकिन आने वाले समय में नोएडा गाजियाबाद के बीच इसके 38 स्टेशन होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली समेत NCR में कनेक्टिविटी के कई विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए DMRC से DPR तैयार किया गया था, लेकिन शासन ने रैपिड ट्रेन की संभावनाएं तलाशने के लिए यमुना प्राधिकरण को निर्देश दिए थे, जिसकी जिम्मेदारी NCRTC को दी गई थी। लेकिन मंगलवार को प्राधिकरण अधिकारियों के सामने व्यावहारिकता रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। दिल्ली मेरठ RRTS के गाजियाबाद स्टेशन से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रैपिड ट्रेन कनेक्टिविटी का विकल्प सुझाया गया था। रैपिड मेट्रो की बनावट की बात करें तो इसमें सारी सुविधाएं लगभग विमान जैसी ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें आपको एक मिनी स्क्रीन भी देखने को मिलेगी। वहीं ये मेट्रो बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह ट्रैक पर दौड़ेगी। रैपिड मेट्रो का किराया करीबन आम मेट्रो जैसे ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।